जो यहाँ बोलने की बात है, मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की अकल नहीं है, और उसकी वजह यह है कि मैं किसी ना किसी भाषण में ऐसी कोई गड़बड़ी कर देता हूँ कि जो कंट्रोवर्सी हो जाती है। भाषण करने के फौरन बाद मुझे फिक्र रहती है कि कहीं दिल्ली से कोई फ़ोन तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने उसकी ज़्यादा परवाह नहीं की। मुझे जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तुम कश्मीर जब बुलाया, उन्होंने मुझे कहा कि कल जाके उठ ले लो, कोई वजह थी जिस वजह से अगले ही दिन सुबह मैं तो कपड़े भी नहीं लाया था पटना से, तो मैंने पूछा कि मैं तो बहुत आराम से हूँ बिहार में, आप मुझको क्यों भेज रहे हो? कहने तुम्हें पता नहीं है, किसी को भी भेजूंगा अपने सिस्टम के आदमी को तो हुर्रियत बगावत कर देगी। तुम चरण सिंह जी के साथ रहे, तुम वीपी सिंह के साथ रहे, तुम अलीगढ़ से एमपी रहे हो तो तुम्हारी स्वीकार्यता है, तुम नमस्ते भी कर सकते हो और तुम आदावर जी भी कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूं। फिर मैंने उनसे पूछा कि मैंडेट क्या है, क्या क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि कोई राजनीति नहीं करनी, दो काम करने हैं, एक तो ये करना है कि आउटरीच करना है, लोगों के बीच में जाना है, और डेवलपमेंट करना है। आउटरीच मैंने जिस हिसाब से किया, आज मैं सेफली कह सकता हूं कि जब 377 हटाने की बात आई और मैंने अपने चीफ सेक्रेटरी को बताया शाम को कि कल 370 हटना है, तो उसने कहा कि साहब 1000 आदमी मारना पड़ेगा। मैं कहा क्यों? मैं कहा कि या तो फारूक अब्दुल्ला के इलेक्शन के दिन 10 आदमी मरते हैं, या तो बुरहान वानी के मरने पे 120 आदमी मरते हैं, लोग चढ़ जाएंगे राजभवन में और मैं तो अपना सामान लेके यहीं आ रहा हूं। मैंने कहा कोई घबराने की जरूरत नहीं, मैंने 5 महीने यही किया है कि इन लोगों की भावनाओं को समझ के इनको ये समझाने की कोशिश की है कि 250 लड़के लेके दुनिया की 2 नंबर की फौज से लड़के तुम कुछ नहीं ले सकते हो, जो मिलना है वो बातचीत से मिलना है। लिहाजा इनमें एक सेंस ऑफ फटीग मैंने पैदा कर दी है कि लड़ना निरर्थक है, और मैं श्योर हूं एक भी आदमी सड़क पे नहीं आएगा। और आप आश्चर्य करेंगे, 3-3 बार के चीफ मिनिस्टर जेल चले गए, कोई उनके छुड़ाने के लिए नारा लगाने नहीं आया। फिर वो डरे हुए थे कि मुझे बोले कि आपकी सिक्योरिटी से कश्मीर पुलिस को हटा के सीआरपी बीएसएफ कर दें। मैंने कहा अगर कश्मीर पुलिस मुझे मारेगी तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, मेरी कोई कश्मीर पुलिस मत हटाओ, क्योंकि मैंने जाते ही उनकी शहादत का जो उनको रुपया मिलता था वो दुगना कर दिया था, उनका हार्डशिप अलाउंस बढ़ा दिया था, और उनका एक शहीद हुआ था इंस्पेक्टर, उसके घर पे देश के होम मिनिस्टर को लेके गया था और उनके हाथ से उसके भाई को तत्काल नौकरी दिलवाई थी। तो मैंने कहा मैंने इनमें काम कर रखा है और मुझे ये, मैं निश्चिंत हूँ कि ये देश के साथ रहेंगे। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा, ईद का महीना था, 370 हट चुकी थी, बहुत घबराहट थी क्या होगा, एक भी कश्मीर पुलिस के सिपाही ने ईद के लिए छुट्टी नहीं मांगी, सब लाइन में रहे और वहीं पे ईद मनाई। और मैं इसके लिए उनकी तारीफ करता हूं, अपनी नहीं उनकी करता हूं, कि उन्होंने देश के साथ खड़े रहने का जज्बा दिखाया। और आज भी कश्मीर में एक सेंस ऑफ, जिसको कहते हैं ना, एक जहां भी दुनिया में ये बगावतें हुई हैं या इंसर्जेंसी हुई है, वहां एक सेंस ऑफ फटीग आती है, थक जाते हैं लोग, यार छोड़ो कुछ नहीं होना है, उस तरह की चीज पैदा हो गई है, उसका अब हमको इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर उसका इस्तेमाल करके हमने डेवलपमेंट किया कश्मीर का, यहाँ बहुत मंत्री रोज बयान दे देते हैं कि हम पीओके लेंगे, उनको ये पता नहीं है कि पीओके लेने के क्या क्या नतीजे हैं। पीओके में चीन का भी इंटरेस्ट है, उसकी सड़क है, पीओके लड़ाई से नहीं लिया जाएगा। मेरे पास, मैंने बोला प्रेस में और कहा, आज भी कह रहा हूं कि पीओके लेने का एक ही तरीका है कि कश्मीर की इतनी तरक्की करो कि पीओके के लोग ये कहने लगे हम इनके साथ जाएंगे। और ये नामुमकिन काम नहीं है, मैंने इसको करके देखा। मैंने आउटरीच के नाम पे अपने सारे जो एडवाइजर्स थे
उनको कह दिया कि हफ्ते में एक दिन सिर्फ शिकायतें सुनोगे, सब डीएम्स को कह दिया हफ्ते में एक दिन सिर्फ शिकायतें सुनोगे, सारे आईएएस लोगों को कहा कि तीन दिन गांव में जाओ वहीं रहो, और एक मीटिंग तो ऐसी होती है जिसका फोटो है मेरे पास, जिसमें बुरहान वानी का बाप अध्यक्षता कर रहा है और वो जो दूसरा था एक बहुत मशहूर जो अभी मरा था उसका बाप भी वहां मौजूद है, और उन्होंने कहा कि ये अफसर हमें मिलते नहीं थे श्रीनगर में, इनको हमारे घर पे भेज दिया, इससे अच्छी क्या बात है। लोगों ने ढोल बजा बजा के उनका, और मैं कोई गलत बात कह रहा हूं तो ये रंधावा जी बैठे हैं यहाँ, ये खड़े होकर मना कर सकते हैं कि ये गलत कहा है। तो वहां ऐसा माहौल बना, मेरे करने से नहीं बना, करता तो ऊपर वाला है, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने नुस्खा दिया था आउटरीच का, आउटरीच की ये स्थिति थी, मेरा फोन 24 घंटे खुला रहता था, फोन में खुद अटेंड करता था और सिर्फ व्हाट्सएप पे एक्शन होता था। एक लड़के का व्हाट्सएप आ गया, उसने कहा मैं और मेरी बहन बोर्ड का इम्तहान दे रहे हैं लेकिन मेरे घर में बिजली नहीं है, बिजली की लाइन 1.5 किलोमीटर दूर है। अगले दिन मैंने उसके यहाँ जनरेटर भेजा और इंजीनियर को बुला के कहा, उसने वायरल कर दिया सारी स्टेट में कि मेरे व्हाट्सएप पे जनरेटर आ गया। लेकिन मैंने कहा बेटे जनरेटर इलाज नहीं है, इंजीनियर को मैंने कहा कि तुम 15 दिन में 1.5 किलोमीटर लाइन खींचनी थी, लाइन खींच के इसकी टपरी झोंपड़ी में था वो बच्चा, उसके घर तक बिजली का कनेक्शन गया और सारे कश्मीर में ये हो गया कि हमारी सुनवाई होती है, हमारी बात सुनी जाती है। मैं थोड़ा ज्यादा लेकिन ये जरूरी, रोज कोई मौका मिलता नहीं इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं जब गया था तो एक दिन मुझे जो मेरा सहायक है ये वीरेंद्र राणा, इसने बताया कि साहब 20-25 लड़के लड़कियां बाहर बहुत शोर मचा रहे हैं, मैं कहा बुला लो उनको। मैं 2:30 बजे रात तक भी मिलता था, बिना अपॉइंटमेंट मिलता था। तो उन्होंने आके बताया कि हम ये हमारी मेरिट लिस्ट है, हम पास हुए हैं, हम इंटरव्यू में पास हुए हैं, लेकिन जब अपॉइंटमेंट का वक्त आया तब महबूबा मुफ्ती ने अपने लोगों को अपने MLAs की लिस्ट लेकर उनको लगा दिया, हम आज तक नहीं लगे हैं। मैंने चेयरमैन बैंक को बुलवाया, चूंकि बैंक में 60% हमारा हिस्सा था, मैं कहा तुम्हें मैं जेल भेज दूंगा अगर ये लड़के नहीं लगाए। उसने कहा कि साहब कैसे लगाऊं, ये 15-20 नहीं है, ये 582 बच्चे हैं। आप हैरत करोगे कि किसी स्टेट में 582 बच्चे पास हुए, इंटरव्यू में पास हुए, सड़क पे हों और नेताओं के बच्चे उन पदों पे बैठे हों, ऐसा कहीं अन्याय नहीं। मैंने कहा 582 लगाने पड़ेंगे। तो उसने कहा कि आप फाइनेंस सेक्रेटरी को कह दें, वो हमारे बोर्ड में होते हैं, वो प्रस्ताव ले आए, हम पास कर देंगे। 3 दिन में उनका प्रस्ताव पास हो गया और मैंने उसकी घोषणा करके जब मैं हॉल से निकला तो बाहर 100-150 बच्चे गुलदस्ते लिए खड़े थे। मैं भूलता नहीं, एक छोटी सी बच्ची थी, वो मुझे गुलदस्ता देते हुए रोने लगी। मैं क्या हो गया तुम, तुम्हारी तो ईद हो गई, आज रो क्यों रही हो? कि नहीं मैं इसलिए रो रही हूँ कि आज मुझे लगा कि अल्लाह है और अल्लाह ने आपको हमारे लिए भेजा। और आगे जो उसने कहा वो बहुत पेनफुल चीज थी। उसने कहा मेरी तो सगाई टूट रही थी अगर ये नौकरी नहीं होती तो। मेरा उससे मैंने उससे वादा ले लिया था कि जब शादी होगी मुझे जरूर बुलाना, मैं आऊंगा। और मैं अभी भी बुलाएगी, छोटी सी बच्ची थी वो। खैर एनीवे, उस बैंक की मैंने जांच बिठा दी, वो जेल जाने वाले हैं सब अफसर। 3-4 घपलों की जांच बिठा के आया हूँ, जिनमें एक मिनिस्टर का लड़का जेल चला गया, एक मिनिस्टर के खिलाफ चार्जशीट हो गई है। और एक बात आपको बता दूं, चूंकि मैं 1.5 कमरे के मकान में रहता था जब गवर्नर हुआ, लोग जब मुझे मिलने आते थे तो सोचते थे क्या चीज़ है यार ये, यहाँ 1.5 कमरे के मकान में पड़ा है। उन्हें मैं कहना चाहता हूँ रुपए पैसे से कोई हैसियत नहीं होती, हैसियत आपके कैरेक्टर से होती है। 2 बड़े डील हो रहे थे उस वक्त जिनमें 150-150 करोड़ रुपए की रिश्वत थी और उसमें ऐसे लोग पैसा ले रहे थे जो प्रधानमंत्री तक जिनकी पहुंच थी। मैंने दोनों कैंसिल किए, मुझे भी कहा गया कि जी छोड़ो इनको, हम आपको दे देंगे। मैं कहा मैं तो फकीर हूं, मेरे पे 6 कुर्ते पजामे, मुझे नहीं चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री जी को आके बताया कि साहब ये लोग हैं, ये आपका नाम लेते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा इनको जेल और भेजो, जांच भी बिठाई उस पर मैंने। और उन्होंने कहा कि करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो। तो 3-4 करप्शन के मामलों में जांच बिठा के आया हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि 3-4 मिनिस्टर
उनके सहायक, बैंक के चेयरमैन, ये सब लोग जेल जाने वाले हैं। एक और बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, वहां जितना करप्शन दुनिया में नहीं है, सारे देश में 5% मांगते हैं कमीशन, वहां 15% मांगते हैं। अमरनाथ की यात्रा पे अमरनाथ की पहली पूजा गवर्नर करता है, जब मैं गया तो 1000 बच्चे थे जो टट्टू लेके आए हुए थे। स्वामी जी एक के बदन पे भी स्वेटर नहीं था। और इनकी अय्याशियां, फारूक अब्दुल्ला के पिताजी स्कूल टीचर थे, लेकिन आज उसके पास 3 एकड़ का मकान श्रीनगर में है, दिल्ली में है, दुबई में है, लंदन में है, फ्रांस में है। और कश्मीर का कोई बिजनेस हो, कालीन से लेके होटल तक, सब में उसकी हिस्सेदारी है। यहाँ से इतना रुपया कश्मीर में गया है जिसको सब नेताओं ने खाया है, जनता के पास वो रुपया पहुँचा ही नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी ने एक बहादुरी का काम किया, लाल किले से घोषणा कर दी कि मैं सरपंचों के चुनाव कराऊंगा, रुपया सरपंचों के खाते में सीधे पहुंचेगा। अब उन्होंने तो कह दिया चुनाव तो मुझे कराने थे। अब वहां जो जब मैंने देखा कि कैसे होंगे, हुर्रियत ने कहा हम बायकॉट करेंगे, फारूक ने कहा हम बायकॉट करेंगे, महबूबा ने कहा हम बायकॉट करेंगे, मैं दोनों के घर प्रोटोकॉल तोड़ के खुशामद करने गया कि नहीं, ये चुनाव हमारे लिए नहीं है, तुम्हारे लोगों के लिए, उन्हीं को डेवलपमेंट होना पैसा। लेकिन पाकिस्तान का प्रेशर था, नहीं माने। और टेररिस्ट ने कहा कि हम जो भी सरपंची का पर्चा दाखिल करके निकलेगा उसी को गोली मार देंगे। ईश्वर ने ऐसी इज्जत रखी और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का इतना बढ़िया अलाइनमेंट था कि 4000 लोग चुने गए, एक चिड़िया की कैजुअल्टी नहीं हुई, सारे लोग उसमें चुने गए। फिर लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें फारूक अब्दुल्लाई के चुनाव में श्रीनगर में 9 लोग मर गए थे, एक आदमी की कैजुअल्टी नहीं हुई। भगवान ने सब अच्छे से उतारा और हमारे प्रधानमंत्री का यश बढ़ा। वो जो सलाउद्दीन है कश्मीर का, जो पार रहता है पाकिस्तान में, उसने कहा कश्मीर के टेररिस्ट से कि भाई मेरी नाक कटवा दी, मेरी कोई सलाम नहीं ले रहा है पाकिस्तान में, तुमने इतना बड़ा चुनाव हो गया और कोई आदमी नहीं मारा है। तो खैर वो तो जो हुआ सो हुआ। अब मैं कुल मिला के कहना चाहता हूँ कि 377 हट सकता है, ये मैं भी नहीं सोचता था। और मैं भी ये सोचता था कि पता नहीं कितना बड़ा उपद्रव होगा, लेकिन ईश्वर की कृपा से आज वो इतिहास हो गया, हट गया, हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे देश का यश बढ़ गया, हमारे होम मिनिस्टर ने जिस राज्यसभा में हमारी मेजोरिटी भी नहीं थी उसमें भी उसको 2/3 से पास करा दिया, और आज वहाँ सब कुछ अमनो अमान है, लोग खुश हैं। मैं इस बात को यहीं ख़त्म कर